किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपको दोराला गांव में चौधरी धर्मवीर सिंह जी जो अपने खेत को तैयार कर रहे हैं उनसे मिलवाता हूं। वो क्या बता रहे हैं, खेती में क्या लाभ है, क्या नुकसान है, कौन मदद कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो आइए खेत पर चलते हैं, बात सुनिए जो साहब की। किसान भाइयों, मार्च का अध्यम आ गया है और किसान अपना गन्ना बोने की तैयारी में लगे हैं। देखिए ये जो हिसाब का बहुत बड़ा खेत है, कम से 10 बीघे होगा, ऐसी 10-35 से लगे हैं। गांव दोराला है इनका। तो भाइयों बहुत ही, क्योंकि अब जो फागुन का जो गन्ना बोया जा रहा है इसमें आगे लेट है मामला, ये मार्च मार्च में बो जाना चाहिए, तभी हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। क्योंकि अप्रैल में तो फिर नंबर आ जाता है गेहूँ वाले का, जब गेहूँ का बोया जाता है उसकी पैदावार में इस फागुन की में 10 क्विंटल का कम से कम अंतर रहता है। नहीं तो लोग हमारे गेहूँ काटने के बाद मई तक भी गेहूँ मतलब गन्ना लगाते हैं, लेकिन वे लोग जो हैं पहले तैयारी कर लेते हैं गेहूँ बोने से पहले, गोबर की खाद, मील की मैली जो भी डालनी है सुर में डाल के ही गेहूँ बोते हैं, ताकि तुरंत फिर गेहूँ काटने के तुरंत बाद गन्ना बोया जा सके। बाजा बाजा किसान तो इतना फुर्तीला होता है, गेहूँ पूरे भी नहीं पक पाते, एक आधी बाल हरी रहते हैं तुरंत कटवाने के बाद, और रात को सुक्का जोत के मतलब उस लान भी कटवा देंगे अल्ला सिल्ला, चाहे ट्रैक्टर वाला रंभाता फिर जा और घुस को ढोकर रात को ही अगले दिन तैयार करके उधर बीज, मतलब गेहूँ खड़े हैं आज खेत में, कल को आपको गन्ना बोने के बाद पानी चलता पाएगा तो वो उतना ही जल्दी फसल जमती है और उतना ही फायदा होता है। बहुत से मेरे भाई मई का भी लास्ट आ जा आड़ कसम फिर हो जा, घर के करते नहीं, संगठन नहीं है परिवार में, मजदूर उस टाइम मिलता नहीं, तो उससे तो वे ना बोए तो बढ़िया है। देखिए चौधरी साहब धर्मवीर सिंह दोराले के बहुत ही मेहनती किसान हैं, मेरे ख्याल में ये बहुत सवेरा आ गई इस खेत में। देखो मैं भी पैदल चलता चलता कहाँ मेरी मोटरसाइकिल खड़ी है कहाँ तक आ लिया हूँ। ये मात्र हमारे गांव से 4 किलोमीटर दूर हैं। आज मैंने सोचा संडे का दिन है, छुट्टी है, मैं छुट्टी मनाता हूँ संडे में ज़्यादातर, और लोकल ही घूम लेता हूँ, बड़ा जी लगता है अपने क्षेत्र में। देखो घर तो नहीं बैठा जाता, आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है तरह तरह की बनाना। तो भाइयों मैं अभी जो हिसाब से थोड़ा सा पूछूंगा क्या क्या डालेंगे इस खेत में। ठीक हो जी, तो सवेरा किस टाइम आ गए थे खेत उतने? सवेरा आ गया हूँ आते या शाम का जोता? 6:30 बजे पहला जोता एक बार। तो ये खेत कितना, 10 बीघे तो होगा, ज्यादा है? ऐसे ही 8-9 बीघे। 8-9 बीघे तो अब गन्ना बोओगे इसमें? हाँ जी गन्ना। तो कूड़िया खाद डाल दिया? नहीं कूड़िया खाद नहीं डाला, अब डालोगे? अब कंपोस्ट खाद डाला। अच्छा हाँ, काले काले लग रही ना मिट्टी? ये तो जुताई आपने प्लाव से पलटवाई दिखे थी? हाँ प्लाव से। अच्छा अगर हिसाब लगाया जाए किसान पूरा लिखे है तो शायद मजदूर भी नहीं, मजदूरी पड़ पाओगी? संदीप जो चौधरी है। अच्छा जी, वो अपने 1 घंटे का जो उसका चैनल आवे 7 से 8 बजे के बीच का जी, वो रोज नहीं बताता है, तो भाई किसान को तो 27 रुपये मजदूरी पड़ रही है। हाँ उसमें बिल्कुल सही बात है, कहाँ पड़ रही मजदूरी, मजदूरी तो कोई देता ही नहीं। हाँ देता ही नहीं, ना लागत देता ना लागत, पर जो है अपना शौक में जब चीज़ है तो करना तो है ही नहीं, कहाँ है क्या करें, कहाँ मजदूरी जा किसके करना। बिल्कुल सही बात है, ये मजदूर ब्याज आए थे कोरोना, वो आ गया था कोरोना, बेचारों को अपने घरों पैदल जाना पड़ा था, पैदल जाना, किसी ने सरकार ने कहा व्यवस्था करी थी उनकी। हाँ बेचारे बड़े दुखी होकर गए, दुखी होकर नहीं, हम तो यहाँ की भी बता दे। हाँ जी,
यहाँ की भी बता दे, हमारी किसान की हालत बहुत खराब है, तो सब चीज बढ़ा है, खाद पे भी पैसे बढ़ा दे, बिजली पे पैसे बढ़ा दे, तेल पे पैसे बढ़ा दे। एक ड्राम तेल 20,000 का रहा, ड्राम तेल 20 का तो अब आ रहा, अब देखियो अब का 30 का अब जा। हाँ, और बढ़ेगा अब जा। हाँ, फिर बढ़ेगा अब जा। 20 लाख खाद। अच्छा, अब इसमें लागत का लागत नहीं मिलती किसान, मिल नहीं रही। अब देखो सारी चीज लगानी पड़ेगी फसल में, सब्जी लगानी पड़ेगी, और फिर जो भाव मिल वाला लेगा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जो सरकार देवे वही तो ले है, मिल वाले क्या आएंगे, मिल कुछ भी नहीं। हाँ, सही बात है, जो सरकार चाहे वो तो वही देगा। सरकार उत्पीड़न कर रही किसानों का, सरकार ही कर रही, ये हाल है। सरकार नहीं किसानों का उत्पीड़न कर। अब इसमें बीज 38 बोगे कौन सा जी? हाँ, 38। और DAP भी खरीदनी पड़ेगी, डाई भी बहुत महंगी, लागत लगेगी, सब सारी दवाइयाँ डालनी पड़ेंगी भाई। बिना लागत के खेती तो नहीं होती, कुछ नहीं होती, मजदूर महंगा हो गया। इसमें आप ये देखो, अब हम इसमें लग गए जी, इसमें आदमी को 18 महीने काम करना पड़ेगा गन्ने में। बिल्कुल जी, हम मार्च से, मार्च को छोड़ दो तुम, हमने फरवरी में खेत खाली करा। हाँ जी, और गन्ना हमारा जागा कब तक? मई तक जागा। कितने महीने हो गए? 1.5 साल हो गया पूरा। हो गया, फिर 1.5 साल काम करना पड़ेगा गन्ने। 1.5 साल लो, लागत ही लागत है, खर्चे खर्चे। हाँ, कोई देने वाला है नहीं, लगाना है। और कुछ फैक्ट्री तो ऐसी जो बेचारों ने पिछले साल सब तक आगे पेमेंट ही नहीं करा। हाँ, ये मिल वाले क्या किस्सा? मील वाले क्या है, कुछ नहीं मील वाले। मायावती ने ऐसे बांध दिए थे, मायावती की भी छोड़ो, ये कह हम गन्ने का पेमेंट करवा दिया, इतना पेमेंट करवाया हमने। मैं कह रहा इन्होंने 4 साल में क्या कुछ पैसा नहीं बढ़ाया, और इन्होंने पेमेंट फिर भी लेट करवाए। पिछली सरकार थी मुलायम सिंह की सरकार, हर साल 20 रुपए 10 रुपए बढ़ावती, ठीक, बढ़े हुए का पेमेंट रुका था बस। जो पिछला पेमेंट था वो तो नगद हो जाता। एक बात हमने देखी, जब भी कोई इलेक्शन होगा पर नई सरकार आवती है, मिल चल रहा तो तुरंत रेट बढ़ेगा। अब जो भी है, अरे मायावती समर्थन ही ना देगी। बिल्कुल, चलो जी। क्या शानदार आवाज है भाई, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये देखिए सवेरा से लगे हुए हैं, ये 8-9 बीघे का खेत है, ये तैयार किया। सुबह 6 बजे किसान जब भूखा प्यासा आता है उस टाइम ज़्यादा 1 कप चाय मिलती है घर में ना, उस टाइम कुछ खाया जाता। अब 8:30 बज गए, ये यहाँ मंडे रहेंगे 10 बजे तक, तब घर जाकर नाश्ता करेंगे। और धूल भी है, अब देखिए मिट्टी उड़ रही है धीरे धीरे, वो सब शरीर के अंदर जा रही है जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाती है। अब बताइए, मास्क हर वक्त आदमी नहीं लगा सकता। तो भैया ये है किसान की मेहनत और किसान की तैयारी। अपना इन्होंने दर्द सुना दिया किसान भाई ने, लेकिन क्या है, लागत लगानी पड़ेगी। भाइयों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करना। आज पहली बार चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और दूसरे भाइयों को शेयर भी कर देना। नमस्कार।